महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी की अध्यक्षता में रविवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन सभागार के में लोकसभा चुनाव के संबंध में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि 64 लोकसभा क्षेत्र सदर के कोऑर्डिनेटर शिशुपाल राज पुरोहित और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लालचंद निषाद मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर युवाओं और महिलाओं को कांग्रेस रीत और नीत को घर घर तक पहुंचाएं। बैठक में पवन बथवाल, प्रेमलता चतुर्वेदी, अखिलेश शुक्ला, सुमित पांडे, स्नेहलता, अभिजीत पाठक, केबी दुबे, तेज नारायण श्रीवास्तव, दिनेश चंद श्रीवास्तव, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, उदयवीर सिंह, अनुराग पांडे, नवीन सिन्हा, प्रमुख प्रवक्ता दिलीप कुमार निषाद, अरुण सोनकर, मोनिका पांडे सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अतिथि शिशुपाल राज पुरोहित ने कहा, संबोधन करना चाहते हैं और उनसे जरूर हम कहना चाहेंगे तो जो आज का कहेंगे अकेले मिलके आप कभी नहीं कर सकते, आप बदल सकते संक्षेप में अपनी बात कहिएगा। ऐसी जगह है सर कि गोरखपुर में 30 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार तो यूपी में रही है लेकिन गोरखपुर में कम से कम 30 यहाँ का प्रत्याशी हमको मजबूत प्रत्याशी चाहिए ताकि ये कांग्रेसी आवाज देकर एक होकर से यहाँ गोरखपुर में बुनकर कम से कम 1.5-2 लाख बुनकर है लेकिन कहीं से बुनकर कभी नाम नहीं आता है। इसलिए कमजोर लोगों को दिया जाएगा उसमें ऐलान कर दिया है। अब ये कांग्रेस फिर से आवाज पहुँचेगी कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी ने हराया है। से मिलकर कांग्रेस की तरफ वोट करने की जरूरत है। मैं इसी के साथ अपनी बातें खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। मेरे साथियों, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। मैं अपने मोहल्ले का वार्ड नंबर 48 बिल्कुल धाम नगर का वार्ड अध्यक्ष भी हूँ। मैं चुनाव लड़ा हूँ, मैं जानता हूँ चुनाव लड़ने वाला सिर्फ एक कार्ड की तरह होता है, लड़ाने वाला ही मतलब कि वो पूरी मेहनत करता है। हमारा जो भी प्रत्याशी आएगा या आता है उसको न वार्ड की पता होती है, न शहर का, न गली का, न कूचे का, न सड़क का, न नाली का। हम सब मिलकर उन्हें जिताने का काम करते हैं। आज जो चुनाव आगामी लोकसभा का होने जा रहा है तो गोरखपुर महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से गोरखपुर शहर के कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी और अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता हैं उन सभी की एक संयुक्त बैठक आज रखी गई है जिसमें हर एक बूथ स्तर तक किस तरीके से कांग्रेस अग्रिम संगठनों के युवाओं के महिलाओं के साथ मिलकर एक मजबूत टीम एक एक बूथ बूथ तक ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की रीति नीति घर घर तक पहुंचाए, एक एक वोट के लिए राहुल जी की नेतृत्व में उनकी नीतियों को जिस तरीके से एक बहुत ही जो लोकप्रिय और जनहित का एक राहुल जी ने योजना का उद्घोषण दिया था, अभी 72,000 रुपये हर गरीब के गृहिणी के खाते में सीधे जाएं, जिससे कि न्यूनतम एक उनकी परिवार की आजीविका आराम से चल सके, ये महत्वपूर्ण एक योजना है, वो घर घर तक पहुंचे। साथ ही जिस तरीके से भाजपा की कुशासन के अंदर मोदी जी के बहुत झूठे और जुमलों के देश को छला है जनता को, चाहे वो किसान हो, किसानों को बोला कि उनके ऋण माफ करेंगे, उनके धान का, उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, उनको दोगुना उसको लाभ मिलेगा, लेकिन ये सब बातें कागजों में उनके जुमलों में रह गई। किसान पीड़ित है, किसान बहुत दुखी है अन्नदाता, लेकिन कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी हजारों करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ किया, ये कांग्रेस ही है फिर किसानों को जो उनको उचित दाम देगी। तो ये सारे जो हैं
2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देने का एक बहुत लोक लुभावन नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था 2014 में सत्ता को पाने के लिए। लेकिन आपके सामने आप मीडिया बहुत अच्छी बाती इस बात से वाकिफ है कि कितना वो उस वादे को पूरा कर पाए। आज हमारा युवा रोजगार, नया रोजगार मिले वो तो तरस रहा है, लेकिन जो रोजगार है वो भी आज नौकरियां छीन रही है लोगों से। ये बहुत युवाओं के लिए एक दुर्भाग्य की बात है भाजपा के इस कुशासन में। और योगी की, मुख्यमंत्री योगी जी की इस नगरी के अंदर क्या सड़कों के हाल है, जब बाढ़ आती है तो ये गोरखपुर की जनता कितना पीड़ित होती है, किस तरीके से यहाँ मच्छरों का और मलेरिया का प्रकोप है, किस तरीके से आप बताइए बच्चों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से उन मासूम बच्चों को अपनी जिंदगी जो फूल खिले नहीं उससे पहले उनको मुरझाना पड़ा। ये योगी जी के राज में ऐसा हुआ है। एम्स के लिए हो तो कितना संघर्ष करना पड़ा जनता को। मेरा ये आपसे है कि आज वीर बहादुर सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो गोरखपुर को किस तरीके से विकास की गंगा बहाई उन्होंने। तो जब योगी जी यहाँ से है और पिछले 30 वर्षों से लगातार वो सांसद बनते रहे, उन्होंने क्या विकास किया यहाँ पे, ये गोरखपुर की जनता को अब जागने की, चेतने की, और ये जनता में इस बात का बहुत रोष है। और वो रोष पिछले उपचुनाव के अंदर आपको देखने को मिला, आपने बहुत अच्छे से देखा कि किस तरीके से भाजपा धराशायी हुई। अब हम आपसे कहते हैं कि जनता ने सपा को भी देखा, बसपा के भी झूठे वादों को देखा और भाजपा के कुशासन को बहुत पीड़ित है उसके अंदर। लेकिन एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो गरीब के दुख की, दर्द की भागीदार रहती है, उनके विकास के अंदर हमेशा आगेवाणी रहती है। तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज गोरखपुर की आमो आवाम और जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और सम्माननीय नेता प्रियंका जी गांधी के कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश और जुनून सातवें आसमान पे है और जनता बहुत भरोसे और विश्वास की नज़र से आज फिर कांग्रेस की ओर देख रही है। तो मैं वादा करता हूँ कि इस बार जनता कांग्रेस के हाथ का साथ देगी और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी शानदार विजयी गोरखपुर से कांग्रेस अपना परचम फहराएगी। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसी तैयारी में आज की यह बैठक का आयोजन किया गया है। धन्यवाद।